अच्छे से गंदे हो गए। अभी हाल में मैंने शूट किया था बाल के ऊपर, इतना अच्छा बाल था, और फिर वापस अजीब अजीब से बाल हो, क्योंकि बाल झड़ने मतलब झाड़ नहीं पा रही मैं, मतलब बाल को कॉम नहीं कर पा रही मैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर भी कर लिया इतना, और एक लेसर तो बिल्कुल मेरे हाथ से तो बिल्कुल नहीं लगता है, तो पता नहीं कैसे कैसे लगा दिए हैं। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकती मैं इनसे, क्योंकि इनको ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं आती है, बाल वाल समेटना कुछ नहीं आता इनका। ऐसे करके लगाने के लिए बोल तो पूरा बाल ही उखाड़ डालेंगे, इस तरह से लगता है, इसलिए मैं नहीं बोलती उनसे। तो चलिए अभी मैं बनाऊंगी लाल चाय, क्योंकि ये गए हैं दूध लाने, और बनाते हैं लाल चाय। डब्बा वगैरह सब ये नीचे कर दिया है, ताकि ढक्कन तो एक हाथ से खोलने में दिक्कत, हालांकि इस तरह से ऐसे दबा के मैं खोल लेती, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ इस पे जोड़ पड़ जाता है, इस पे जोड़ नहीं डालना है अभी। तो सारे डब्बा वब्बा निकाल के गए हैं, तो चलिए चाय बनाते हैं, और यार खुश रहना चाहिए, है ना। चलिए चाय बनाते हैं। तो और ये देखो आलू प्याज, आजकल डाइनिंग टेबल पर आलू प्याज खुद को खा रहे हैं। मतलब आलू प्याज को हम लोग खा रहे हैं, और ये है मेरा किचन जो मेरे एक हाथ का सवारा हुआ है। मतलब उतना नहीं हो पा रहा है, ये देखिए। तो ये बर्तन धुल दिया है इन्होंने, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बर्तन तो नहीं धुलेंगे मेरे हाथ से, और बहुत अभी कुछ दिन लगेंगे। तो देखिए सारा चीज़ निकाल के गए, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, और ये ब्लैक सॉल्ट। एक चीज़ नहीं निकाल के गए हैं, वो है ये, इसे नहीं खोला इनमें, खुलेगा मुझसे तो खोल लूँगी, ये काली मिर्च है। तो चलिए लाल चाय बनाते हैं। और मैं ऐसे ऐसे करके इसलिए बोल रही थी, क्योंकि मैंने फ़ोन याद रखा है ऊपर, मेरे पास अभी स्टैंड है नहीं, तो मैं इधर रखती हूँ, ऊपर एक जगह है, रैक है, उस पर रखती हूँ, उस पर रैक रखने, तो अभी लगता है कि डर लगता है कहीं गिर नहीं जाए, और गिरेगा तो मैं संभालने के चक्कर में फिर ये हाथ का यूज़ नहीं कर लूँ, इसलिए मैं यहीं पर रख रही हूँ। और देखो जीवन में ये सब तो सुख दुख जो है ना, ये साथ चलेंगे, सुख की जो है ना, तो स्वाद जो है ना आता है और चला जाता है, मतलब मिठास की तरह होता है सुख का स्वाद जो है, और दुख का स्वाद जो है वो कड़वाहट की तरह होता है ना। कड़वाहट जो है मुंह में बहुत देर तक रह जाती है, बहुत देर तक कड़वाहट जो है मुंह में बहुत देर तक रह जाती है, और जो मिठास जो है वो आती है थोड़ी देर भी मुंह को मीठा करती है फिर चली जाती है। तो ये दुख कड़वाहट है, और सुख दुख तो साथ में लगा रहेगा, और दुख को भी सहना है, और आप आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो सारा चीज़ लिख के आया, वो जो होना है वो होगा। और देखो वो चिंता कब होती है ना, जब बात जान पे आती है तो चिंता होती है, बाकी ये सब चीज़ें हैं ठीक हो जाएंगी। डाल देते हैं चीनी, और मैं बना रही हूँ लाल चाय। और तकलीफ ऐसी चीज़ है, तकलीफ ऐसी चीज़ है, दुख और तकलीफ ऐसी चीज़ है जिसको जितना आप, दो चीज़ें हैं, एक आराम और एक तकलीफ। तो आराम शरीर को दोगे तो उतना ही शरीर आपसे आराम चाहेगा, और तकलीफ को अपने आप को बताओ कि मुझे बहुत तकलीफ है, शरीर उतने ही आपको तकलीफ में रखेगा, क्योंकि अरे यार इसे तो अच्छा लग रहा है ना। तो तकलीफ बहुत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अगर तकलीफ को बार 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 जताऊं तो वो मेरी तकलीफ कम हो जाएगी, तो वो लेट इट बी यार, इसको है तो है, क्या कर सकते हैं। बस मुझे बस यही लगता है, कोई भी बीमारी या कोई भी चीज़ जो लाइफ से संबंधित होती है, मतलब जान जाने की बात जो होती है, उससे डर लगता है, क्योंकि अपने पास तो परिवार है ना, परिवार पीछे है, कुछ हुआ तो क्या होगा, ये 3-4 दिनों में तो हालत बिगड़ी सबकी, तो मुझसे नहीं रहा जाता है, तो मैं तो काम साथ में साथ करती हूँ, खाना भी देख रही हूँ, नहीं होता है, थक जाती हूँ तो फिर बैठ जाती हूँ, फिर करती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं बोलते हैं करने के लिए, लेकिन क्या करे यार, आदत इतनी गंदी है। थोड़ा सा जरा दिखाओ, तो आदत इतनी गंदी है ना,
खराब चीजें नहीं जाती है मुंह के अंदर। वो डाल दिए ये, और देखो ये अजवाइन डालती हूँ ना, अदरक और अजवाइन तो ऐसे ही खोलना पड़ता है, ये नहीं रख के गए थे। एक चुटकी अजवाइन और ये टी शर्ट मेरा थोड़ा सा ढीला है, तो मैं ये टी शर्ट पहनती हूँ, आपको लगता होगा ये टी शर्ट बार बार पहनती है, तो ये थोड़ा सा ढीला है तो मैं पहनती हूँ, तो अभी हाथ में चोट लगा है ना तो डर लगता है कि फिर से नहीं इस पे लग जाए, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखते हैं। और ये हमारा चाय पत्ती गया, और तो कुछ नहीं डालना, नहीं डालना ना। चलिए चाय बन गया, तो यही है लाइफ, इसको हंस के गुजारो यार, जिंदगी चली थोड़ी जा रही है इससे लेकर। चाय हमारी बन गई है, तो इससे जिंदगी जाने वाली अभी नहीं है ना, हाथ है फिर से जुड़ जाएगा। बहुतों का ऐसा होता है कि नहीं भी ये होता है, नहीं भी जुड़ेगा, तो भाई जीवन तो है ना अपने पास। बहुत लोग लाइफ से लड़ रहे हैं, अपने लाइफ से लड़ रहे हैं, एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं, सोचिए ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। तो वही, और एक बात बता दूं मैं, जब ये मेरा हाथ कटा था तो ये अचानक से ये जो है इसमें ये सेंसलेस हो जा रहा था, जो मेरा फिंगर कटा है वो सेंसलेस हो रहा था, मतलब अब इसमें लग रहा था अब इसमें जान नहीं है मेरी उंगली गई। तो थोड़ी देर के लिए मैं बहुत परेशान हुई, मुझे गर्मी होने लगी बहुत तेज़ी की, मुझे चक्कर आने लगे, मतलब बेहोश होते होते मतलब बीपी लो हो रहा था सोच के, बस बस नर्स ने पकड़ा है मुझे, लेटाया है उसी समय जो अभी जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ है, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर जो भी हो इनसे रिलेटेड, उनका उनकी कलाई कट गई थी, तो कलाई जुट गई, बस 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 वही चीज़ मैं सोची कि जब उतनी बड़ी कलाई कट के टूट के, मतलब कटी हुई कलाई जब जुड़ गई थी, ये तो उंगली है फिंगर है ये जुड़ ही जाएगी, है ना। तो अपनी तकलीफ अगर छोटी तकलीफ को बड़ी तकलीफ से आप जोड़ोगे ना, तो वो आपकी तकलीफ अपने आप छोटी होने लगेगी। तकलीफ को लेकर रो थोड़ी देर के लिए लगता है, मुझे भी लगा, बहुत लगा, मुश्किल से 2 घंटा, उसके बाद मैंने पट्टी करवाया और मैं बाहर आके बैठी हूँ, मैं मुस्कुरा रही थी, दर्द कम था ऐसा नहीं, मुस्कुरा रही थी। और जो डॉक्टर थी वो बोली, यार थोड़ा ध्यान से काम किया करो, इनको बताया कि इन्हें कुछ काम नहीं करने दीजिएगा, 3 दिन का रेस्ट बताया था डॉक्टर ने, जूस पीजिएगा, ये करिएगा, वो करिएगा, ठीक है हमने सुना, करनी चाहिए हमें, लेकिन भाई परिवार के साथ रह रहे हैं तो उतना अगर करेंगे तो बच्चे हैं हस्बैंड है कितना आप छोड़ सकते हो, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो जरा सा उठ के बैठिए, इधर उधर करिए, काम नहीं करना है तो थोड़ा सा इधर उधर बैठिए, लोगों से बात कीजिए, है ना। मेरे पास लोग नहीं तो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलती हूँ, अदरवाइज आपसे बात कर लेती हूँ, तो वही है, तो यही है लाइफ, तो इससे घबराना नहीं चाहिए किसी चीज़ किसी भी बात से, है ना। लाइफ है, दुख है आएगी, और ज़्यादा जताने से ये दुख जाएगी नहीं, इसे जब जाना होगा तो ही जाएगी, इसलिए बस लाइफ जो है मतलब जिंदगी जाने से रिलेटेड होती है तो टेंशन होती है, उससे मैं नहीं होंगी कि वैसा कुछ होता है तो लाइफ भाई नहीं बचेगी, अब इस तरह से हो तो बहुत टेंशन होता है, टेंशन की बात है, लेकिन जहाँ लाइफ नहीं जा रही है हमारी, एक उंगली है कट गई है या फिर कुछ भी है थोड़ा बहुत हो गया है, तो उसमें आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, ऑप्शंस अनेक हैं, अगर ज़िंदगी है आपके पास तो ऑप्शंस अनेक हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेने का, तकलीफ को टेंशन देने का, है ना। चलिए मेरा चाय तैयार हो गया है, और मैं तो कुछ अभी बना नहीं रही हूँ, तो वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, और ख्याल रखिएगा अपना, ध्यान रखिएगा अपना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक्स फॉर कंसर्न, आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला है हमें ध्यान रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ध्यान रखूँगी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, घर पे रहिएगा, और
खुश रहिएगा। ओम साई राम, साई राम, सबका भला करेंगे। सो बाय एंड टेक केयर, और तकलीफ को खुश मत रखो, तकलीफों को खुश मत रखो, उसे दुख दो। यार तुमसे मैं दुखी नहीं हूँ, है ना। चलिए बाय एंड टेक केयर, ओम साई राम, साई राम, सबका भला करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।